गाइस हमको मास्क पहनना चाहिए और जहाँ भी जाए हमको सैनिटाइजर लगाना चाहिए। पापा धनावेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। जिनकी जुआ है पैसे कमाने दो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है दीपक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छा, आप लोग अच्छे, आप लोग अच्छे हैं, मैं अच्छा। तो आज है संडे। संडे मतलब हमारे लिए फंडे नहीं, हमारे लिए बहुत सारे कामों का दिन है। और आपको घर खाली खाली लग रहा होगा, एकदम शांति बैकग्राउंड में, एकदम शांति। एक्चुअली दीप्ति, रिधांश एंड दिव्यांश सारे अपनी मम्मी के घर गए हैं, तो आज घर में कोई नहीं है। लेकिन ये मैंने शूट लिया है शाम के 5 बजे, तो अब मैं जा रहा हूँ उनको लेने और अब दिखाएंगे आज पूरे दिन में हमने क्या किया। पापा धनावेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। और भिखारी आदमी को खाना देना पड़ता है। गरीब आदमी को खाना देना चाहिए? आप तो खाना खाते ही नहीं हो। मैं खाऊंगा। खाओगे ऐसे? हाँ। वेस्ट तो नहीं करोगे? नहीं खाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो ठीक है, लेकिन आप भी वेस्ट मत करो। मैं तो करता ही नहीं वेस्ट। तो फिर आप खा रहे क्यों नहीं? हाँ, मैं खाऊंगा, जाओ। सो हम जा रहे हैं अभी। कहाँ जा रहे हैं? अबे यहाँ से। मम्मी हाउस। भैया कितने की है? भैया इधर इधर कितने की है? 20 की भी है, 50 का भी है, 100 का भी है। पतली वाली कितने की है? 100। अरे नहीं भैया नहीं बना रहे। तो फिलहाल एक बांसुरी ले लिया मैंने, जो ऐसे रास्ता रहता है, बैठ गया आराम से मम्मी के लिए। मम्मी आप कुछ बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहती हूँ मेरा फोन वापस कर दे, नहीं तो कान पटकना पड़ेगा। गाइस चलो मैं मिलता हूँ बाजार पे। अब ये पता नहीं कौन सा गाइड आ गए। मैं क्या पूछ रहे हो? वहाँ के गाइड लिखा होना जरूर। अरे गा जब पढ़ोगे तो समझ आएगा। गाइस मतलब जो हमारे फैन होते हैं। पता है वो तो मुझे। फिर किस लिए बना रहा है मेरी वीडियो? किस रहेगा भाई? तो सबको पता चलेगा कि नानी ऐसे तो बोल क्या। काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं, व्हाट इज इन माय बैग। मैं तो बना नहीं पाई। इसके बैग में देख लो क्या क्या है। क्या क्या है बैग में? कमर में दर्द है, डॉक्टर को भी नहीं दिखाती। वैसे ये कौन से? दो दो आईफोन, तीन फोन खराब है, महंगी है। ओह माय गॉड इतने आईफोन। यो बहुत अमीर हो। इंसान के बैग में नेल पेंट एक नेल पेंट मिल सकता है, पर इसके बैग में इतने सारे नेल पेंट है। लाइनर लाइनर ओह लाइक तो नया, यो तो वो नहीं है। नेल पेंट भी तीन तीन है इसके तो बैग में, और दो दो चाबियां हैं, देख लो कितनी अमीर है। मम्मी लगाने सामान ही तो कूड़ा कबाड़ा है। एक स्कूटी की है और एक कार की है। कितने की? ये दो दो चाबी ले रखी है मम्मी। देख दिख रहा है कबाड़ा, सारा ब्रांडेड सामान है दिख रहा है हमें। एक और फोन, चौथा फोन है भगवान। इयरबड्स आए पप्पी केरी, सारा घर का कबाड़ा ले आई क्या? रॉकिंग फील मैं तेरा जा, और मेरी आशीष को नहीं आता ना वो,
आलू और वो प्याज बन गया। तो पहुंच गया हूँ मैं दीप्ति के मम्मी के घर के बाहर, गली के अंदर नहीं गया, मतलब ऑन रोड ही है लेकिन थोड़ा मैं वहाँ पे कंजेस्टेड है तो अंदर नहीं लगाई, गाड़ी बाहर ही लगा दिया और दीप्ति को फोन कर दिया। तो अभी दोनों में से एक बच्चे को लेके आएगी, इसके बाद अब कहीं पे जाएंगे शॉपिंग करने। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा देखिए संडे का बिजी वाला रूटीन। अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के घर से और शाम के बजे हैं 5, धूप है थोड़ी सी और हम जा रहे हैं सेक्टर 7 की मार्केट कुर्ते लेने के लिए। वैसे मुझे बहुत सारा सामान लेना है पर इस मैडम को कुर्ते लेना, तो पहले सोच लो इसका काम हो जाए। और ये आशु कैसे झांक रहा है। हाय आशु। हाय कदम। ये कोने में से। और इधर मेरे धांच को लेके आ गई हूँ और गट्टू को मम्मी के घर ही छोड़ के आ गई हूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि मेरे जितने सारे मास्क थे ना सब घूम चुके हैं। अब ये वाले मास्क बचे हुए थे और ये वो वाले मास्क थे जो एयरपोर्ट से मिले थे, जो कौन सी पीपी किट में जो मिलते हैं, पता नहीं पूरा क्या है बता देना। सो ये जो है मुझे अभी इसने जस्ट पिक किया है, मतलब तो बहुत सोया होगा। और इन दोनों ने तो मेरा बिल्कुल दिमाग खिला रखा था, बहुत सोया होगा। कितने बजे? 2:30 बजे मैंने इसको छोड़ा और अभी बजे 5। आधा घंटा लगा सोने में, आधा घंटा लगा चाय बनाने में, तो कितने घंटे कम हो गए? 1 घंटा। 2.5 से 5 घंटे मतलब 1.5 घंटा सोना। चलो 1.5 घंटा तो बहुत है ना। 5 कॉल बीच में रखे जो डिस्टर्ब करने वाले। फोन साइलेंट पे करना था ना। अब तुम संडे को भी ऑफिस का काम करोगे, दिस इज नॉट माय मिस्टेक। तेरा भी नहीं पता लग जाता ना फोन आया या नहीं आया। एक्चुअली जब भी हम सो रहे होते हैं ना और हम अपना फोन किसी के फोन आने का वेट कर रहे हो तो अपना फोन रिंगर पे लगा देना, तो उस वेटिंग वाले टाइम में ना नींद बहुत कमी आती है। ऐसा लगता है अभी फोन ना आ जाए, हाय हमें जाना है या बच्चों को पिक करना है, स्कूल का टाइम हो गया, वैन का टाइम हो गया, तो वो वाले टाइम पे नींद नहीं आती। सो फिलहाल जा रहे हैं और आज मैंने चाय नहीं पी, चाय को स्वैप करके हमने पी लिया गन्ने का जूस। चलेगा धीरपुर नहीं जाएगा। तो अभी जो है ना जैसे टर्न लेते हैं ना मुझे याद आ जाती है रिधांश का इधर स्कूल था, वीके कौन सा था यार, मैं सब कुछ भूल जा। कौन सा था रिधांश? सीएसपी के इंटरनेशनल स्कूल। तो इसलिए मैं हमेशा इसको इधर छोड़ने लेने पिक करने आती थी। मेरे घर से दूर है, 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो जब एडमिशन कराया था मार्च अप्रैल मई में मैंने छोड़ा था, फिर जून जुलाई जो भी छुट्टियां वाला टाइम उसके बाद फिर इसकी वैन लगवा दी थी। फाइनली एक टैग इसने तोड़ ही दिया और ये देखो। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये या ये? मुझे तो एक अच्छा लग रहा है, नीचे वाला अच्छा लग रहा है। सो गाइस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सिस्टर। सब बच्चों का यही हाल है, मतलब अगर मम्मी पापा कहीं ले आए ना तो सामान देख के फैल जाते हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सिस्टर कि वो यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। हम क्रोमा चले गए थे बट जो मुझे पसंद आया ना वो फूड प्रोसेसर महंगा है, तो उसके लिए ना माइंड मेकअप करने के लिए टाइम चाहिए। तो हम लोग आ गए हैं, दीपक टोल्ड मी कि आज मत ले, आई डोंट नो क्यों बोला है, बोला है तो मैंने मान लिया है। तो फिलहाल वो आ जाए और हम यहाँ से जाएं और मैं करने वाली हूँ कल एक अच्छा वाला चैलेंज, तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशंस करनी है। आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या करने वाली हूँ। और बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है ना। मैंने कहा है आज मत ले क्योंकि हमारे जिम में आज पैसे ही नहीं, कैश नहीं, वी डोंट हैव कैश एक्चुअली। और स्पेशल थैंक टू विदिता वर्मा, उन्होंने हमारे को बोला था कि उनका नाम लें तो हम उनका नाम ले रहे हैं। और स्टे ब्लेस्ड, लव यू, टेक केयर। Go!
बात पर मम्मी पापा। और अब हमने रिदांश को छोड़ दिया और गट्टू को ले लिया। जब से ये आया है शैतानी 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 करे जा रहा है। और दीप्ति गई है वहां से कुछ लेने, नई शॉप खुली है, देखते हैं क्या लेके आएगी सरप्राइज गट्टू के लिए गिफ्ट। और ये देखो पापा ये क्या, किसने दिए आपको? देख लो जी कैसे बाबा, हैं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाय आगे चला ले भैया। अभी से थोड़ा सा खाया आपने, पूरा खाओ। इतनी अच्छी आइसक्रीम है, मैं सारी खा सकता हूँ। आप भी खाओ। मैडम पहुंच गई है शॉपिंग करने। गाइस हमको मास्क पहनना चाहिए और जा भी जाए हमको सैनिटाइजर लगाना चाहिए। ये कह रहा है कि गाइस हमें मास्क पहनना चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हैंड भी सैनिटाइज करना चाहिए, लेकिन ये खुद बच्चा मास्क नहीं पहन रहा है। अभी मास्क पहनो, अपने जल्दी पहनो। वेरी गुड। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, ये रहा हमारा सामान, ये रहा हमारा गट्टू। और इसका एक नया डायलॉग कौन सा है? पहले डायलॉग तो सुना। जिंदगी जियो कैसे खिलाने दो। सो गाइस मेरी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया है। आई एम फीलिंग वेरी 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 टायर्ड। सो गाइस आई एम फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड। सो एक्चुअली यार अभी बोलने देना। सो गाइस हम थक गए हैं और ना आज श्रुति भी नहीं आई है तो हमारी रोटी भी नहीं बनी होगी। हम खाना क्या खाएंगे आज? कोला। क्या खाना खाएगा? मम्मा को मारते हैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको देख के ना कि ये कभी कभी ना ऐसे हाइपर होकर ना मुझे ऐसे ऐसे हाथ उठा देता है। आज मैंने मॉल में एक बच्चा देखा, उसकी मम्मी ने उसे टॉय नहीं दिलाया, उसने वो कूटा अपनी मम्मी को, वो कूटा। मैंने कहा भाई साहब मतलब ये दुनिया में इकलौता ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आप मेरा ये सामान, ये दीपक के हाथ में सामान। तो हमने दो कार दिलाई और एक अपने इसने खोल लिया और दूसरी अपने भैया की कार रखी है आपने। भैया के इस्तेमाल कर रख लिया, यूज नहीं कर रहा है, भैया को ही देगा। इसकी सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है? सबसे अच्छी अब तक की बात है कि अगर हम दुकान पे हैं, रिदांश इसके साथ इसको पिटाई कर दे, इसकी दाल खिलवा दे, पर अगर ये मेरे साथ कभी भी कहीं भी जाएगा ना, हमेशा दो चीजें पिक करता है, एक अपनी और एक अपने भाई की। अपनी यूज भी कर लेगा, खा भी लेगा, पर भाई की जो है एज इट इज रखे रखेगा जब तक वो नहीं आएगा। करेक्ट लेके आया, अपना खा लिया। नहीं तो बच्चे के अंदर इसकी पेशेंस नहीं होती कंट्रोल करने की। अगर मैं भी होती ना तो यार आएगा तो खा लेगा ना, और ला देंगे खा लेते हैं। तो इसके अंदर इतना पेशेंस लावा ले कि नहीं वो मेरे भाई का है, वो हिस्सा मैं उसको ही दूंगा। मतलब ये चीज ना मेरे दिल को इतनी तसल्ली देती है। आगे जाके फ्यूचर तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ एटलीस्ट ही थिंक्स अ लॉट फॉर हिज फादर। अभी स्माइल दे रहा है, अभी कुछ बोलेगा, बोलो। खोला नहीं है, एक पैकेट खोल दिया अपने वाला और भैया का पैकेट रखा हुआ। चलो ये भी वहीं रख दो, भैया कल आएगा ना, कल देगा ना भैया को। चलो आगे जल्दी में लाइट बंद करूंगा फिर अंदर चलेंगे। बाबा यू करा ना तो बाल कैप्चर हो गए भाई। सो गाइस इट्स अराउंड 10:30 PM तो अभी टाइम है एडिटिंग करने का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक करें, इस कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पर मेरे सब्सक्राइबर बहुत धीरे से बढ़ रहे हैं, कृपया करके
जो वीडियो देख रहे हो उसे सब्सक्राइब भी कर दो ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लाए और ऐसे ही प्यार बांटते रहे। और कट्टू अभी शैतानी कर रहा है पर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा शैतान बच्चे है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।